नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं एक निर्दलीय भी मैदान में है। इस पद के लिए मतदान 10 नवंबर को कराया जाएगा। हालांकि मेयर बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा को एक एक नगर निगमों में स्पष्ट बहुमत मिला है। इनमें कांग्रेस को उत्तर और भाजपा को दक्षिण में बहुमत मिला है। इसके बावजूद दोनों दलों ने एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दोनों दलों ने एक दूसरे की सेंधमारी से बचने के लिए पार्षदों की बाड़ेबंदी कर उन्हें होटलों में ठहरा दिया है। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी कर दी है। कांग्रेस ने उत्तर निगम के अपने पार्षदों को उदयपुर, रणकपुर तो दक्षिण के पार्षदों को जैसलमेर में रखा है। इन्हें मतदान के दिन ही सीधे नगर निगम लाया जाएगा। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सैटेलाइट अस्पताल में भी कोविड-19 पॉजिटिव गंभीर रोगियों को ही भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। मेहता ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर रोगियों को समुचित और पर्याप्त इलाज मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ चिकित्सक स्वयं नजदीक से मॉनिटरिंग करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन तक मेडिकल का स्टाफ और चिकित्सक पहुंचे, दवाइयां और आवश्यक उपचार लोगों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। सभी एरिया मजिस्ट्रेट भी अपने अपने क्षेत्र में रैंडम रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। मेहता ने कहा कि नियमित विजिट करने से ही व्यवस्था में आ रही कमियों का पता चलेगा और उनमें सुधार किया जा सकेगा। जोधपुर उत्तर नगर निगम की कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी कुंती देवड़ा के पास 1.35 लाख रुपए की नकदी है। वहीं दक्षिण से भाजपा की प्रत्याशी वनीता सेठ के पास सिर्फ 20,000 रुपए कैश है। रुपयों व संपत्ति के मामले में कुंती देवड़ा वनीता सेठ पर भारी है। हालांकि उनको कंगाल नगर निगम मिलेगा। ऐसे में जर्जर आधे भवन में शिफ्ट हुए उत्तर निगम के कर्मचारियों को वेतन चुकाने के बाद विकास के लिए सरकार पर ज्यादा निर्भर रहना होगा। बीकानेर जिले में कोरोना की मार कम होती नजर नहीं आ रही है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि शुक्रवार को 1389 सैंपल में से 165 नए संक्रमित मिले हैं। जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण में महापौर पद के लिए 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इन नामांकन पत्रों की शुक्रवार को समीक्षा की गई, शनिवार को नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, इसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। राजस्थान में आतिशबाजी बिक्री पर लगी पाबंदी को हटाने के मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई 10 नवंबर तक टल गई। ये दूसरा मौका है जब कोर्ट में इस मामले में सुनवाई टली है। अब दीपावली के 4 दिन पहले ही पता चलेगा कि प्रदेश में आप पटाखे चला पाएंगे या नहीं। हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली संघ राजस्थान फायर वर्क्स डीलर एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वकील आरएन माथुर ने बताया कि सरकार ने पटाखा बिक्री और आतिशबाजी करने पर जो रोक लगाई थी, उस पाबंदी को हटाने के लिए याचिका लगाई गई थी। जोधपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एनएचएम में संविदा पर लगे अकाउंटेंट सज्जन लाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसने यह रिश्वत राशि एक कार टैक्सी चालक से बकाया भुगतान की एवज में मांगी थी। एसीबी के डीआईजी डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि पहाड़गंज प्रथम कॉलोनी निवासी सुनील सिंह ने इस संबंध में शिकायत दी थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 शुक्रवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच शुरू हो गई। 8 नवंबर तक 3 दिन 2 पारियों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को देने के लिए हजारों अभ्यर्थी जोधपुर में आए, उनके कारण बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ हो गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी इन अभ्यर्थियों की लंबी लाइनें लगी, जिस कारण यहां सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव रहा। असंगठित श्रमिकों को बोनस भुगतान करने सहित उनकी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की राज्य शाखा ने श्रम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व श्रमिक श्रम विभाग एकत्रित हुए तथा अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रतिनिधि मंडल को वरिष्ठ श्रम अधिकारी बहादुर सिंह ने भरोसा दिलाया कि ये अतिशीघ्र कार्यवाही आरंभ करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हिमांशु शर्मा से युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वरुण धनाड़िया व अन्य कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुलाकात की। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने पर
बधाई दी और केंद्र सरकार की योजनाओं और नीति को आमजन तक पहुंचाने और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर भी चर्चा हुई। जोधपुर शहर के बोरानाडा थाना क्षेत्र में एक मेडिकल की दुकान में लूट हो गई। पीड़ित दुकानदार राम कल्याण का आरोप है कि तीन बदमाश दुकान में घुसे, पहले एक्सरे कराने की बात की, फिर चाकू दिखाया और गल्ले से 35-40 हजार रुपए लूट ले गए। सीसीटीवी फुटेज में तीन बदमाश आते जाते दिख रहे हैं। दुकानदार की बातों की पुलिस पड़ताल में जुटी है। करीब 7 माह से अधिक समय से बंद जोधपुर के अब सभी धार्मिक स्थल खोले गए हैं। शुक्रवार से देवस्थान प्रतिबंधित मंदिर भी दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। अब इन मंदिरों व धार्मिक स्थलों को खोलने पर कोई रोक नहीं है। इन धार्मिक स्थलों में अब धीरे धीरे भक्त दर्शनों के लिए आने लग गए हैं। दिवाली से पहले बोनस एवं कोविड-19 के चलते रोके गए वेतन का पुनः भुगतान करने सहित प्रतिमाह एक दिन के वेतन काटने के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के बैनर तले किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।